ओके तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले Realme के एक लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme GT Neo 2 का Xiaomi के ही एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi के Mi 11X से। दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन में आपको काफ़ी इक्वल देखने को मिल जाते हैं। आज की वीडियो में इन दोनों ही स्मार्टफोन का हम पूरा कंपैरिजन करेंगे। और दोस्तों याद रहे, Realme GT Neo 2 आज से ही सेल पर आ चुका है और इन दोनों ही स्मार्टफोन का काफ़ी कड़ा मुकाबला है। और पूरा कंपैरिजन जरूर देखें अगर आप इतने कीमत खर्च करने की सोच रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं कोई नया स्मार्टफोन जैसे कि Realme GT Neo 2। तो दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करें हम दोनों स्मार्टफोन के प्राइस से, फिर हम बात करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन जो कि कमाल के आपको देखने को मिल रहे हैं। हम बात करें Realme GT Neo 2 की, तो इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसका पहले वेरिएंट की कीमत है 31,999 रुपए, जो कि दोस्तों इसके 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों जो अगला वेरिएंट है वो है आपका 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत रखी गई है इंडियन मार्केट में 35,999 रुपए। और खास बात यह है दोस्तों, स्मार्टफोन के लॉन्चिंग ऑफर के जरिए आप स्मार्टफोन पे 7,000 रुपए तक का डिस्काउंट भी पा सकते हैं, जिसके जरिए आप स्मार्टफोन को और कम कीमत में परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये एक बैंक ऑफर से, ये हर किसी के लिए तो होते नहीं है, तो इसे आपके 31,999 जो पहला वेरियंट है और 35,999 जो की 12GB वाला वेरियंट है। स्मार्टफोन में तीन कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर है। और साथ ही दोस्तों अब बात करें Xiaomi के Mi 11X की, स्मार्टफोन में भी दोस्तों आपको दो वेरियंट ही देखने को मिलते हैं। इसका पहला वेरियंट है आपका 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी कीमत आपको Xiaomi की ऑफिशियली वेबसाइट पे स्टन देखने को मिलेगी 27,999 रुपए। साथ ही इसका अगला वेरिएंट आता है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत आपको देखने को मिलेगी 28,999 रुपए। साथ ही ये स्मार्टफोन भी आपका तीन कलर ऑप्शन में ही देखने को मिलता है, जिसमें कलर ब्लैक और व्हाइट कलर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों करते हैं कंपैरिजन की शुरुआत। शुरुआत करेंगे दोस्तों स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। Realme GT Neo 2 के अंदर आपको देखने को मिलती है 6.62 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि सैमसंग की E4 डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले में दोस्तों आपको देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, साथ ही स्मार्टफोन का टच सैंपलिंग रेट आपको 600 तक का देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये डिस्प्ले HDR 10 प्लस को सपोर्ट भी करती है, तो डिस्प्ले काफी जानदार होने वाली है हमारी Realme GT Neo 2 की। वहीं दोस्तों आप बात करें Xiaomi के Mi 11X की डिस्प्ले के बारे में, दोस्तों Xiaomi के Mi 11X की डिस्प्ले भी आपको 6.62 इंच की फुल HD प्लस सैमसंग की E4 डिस्प्ले ही देखने को मिलती है। इसका रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज का ही है और साथ ही इसका टच सैंपलिंग रेट है 360 का। रिफ्रेश रेट थोड़ा कम है जो कि टच सैंपलिंग रेट है, लेकिन नॉर्मल जो डिस्प्ले देखी जाए तो दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले एक जैसी ही है। अगर दोस्तों दोनों ही डिस्प्ले की अगर कंपैरिजन की बात करें कौन सी है बेहतर, तो मैं आपको कहूंगा कि आपकी Realme GT Neo 2 की डिस्प्ले काफी अच्छी है, क्योंकि उसकी डिस्प्ले में थोड़ी और शार्पनेस आपको देखने को मिलती है, जो कि लो लाइट या फिर हाई लाइट में देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप किसी सनलाइट में जाते हैं तो आपकी डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस कम नजर आती है, या आपको प्रॉब्लम Realme के GT Neo 2 में नहीं देखने को मिलेगी। तो Realme GT विनर है हमारा डिस्प्ले के मामले में। और साथ ही दोस्तों अब बात करें दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों प्रोसेसर तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम देखने को मिलते हैं। Qualcomm Snapdragon का 870 दोनों ही स्मार्टफोन में दिया गया, जो कि 5G बेस्ड प्रोसेसर है। प्रोसेसर दोस्तों काफी अच्छा है और दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर रन करते हैं, तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको ज्यादा दिक्कत किसी भी स्मार्टफोन में नहीं होने वाली, क्योंकि प्रोसेसर भी सेम है और दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर रन करते हैं, तो आपको दिक्कत तो दोनों में नहीं होगी और दोनों ही स्मार्टफोन 5G से बेस्ड हैं। इस मामले में बिल्कुल टाई हो जाता है, कोई भी विनर नहीं है, क्योंकि दोनों में ही सेम आपको देखने को मिल जाता है। और अब दोस्तों बात करें हम दोनों स्मार्टफोन के सबसे बेस्ट फीचर्स की, कैमरे की। तो दोस्तों शुरुआत करें हम Realme GT Neo 2 से, तो स्मार्टफोन में बैक पे दिया गया है ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप, जिसमें दोस्तों आपको 64 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर दिया जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का दिया जाएगा माइक्रो लेंस। फ्रंट में दी जाएगी छोटे पंच होल डिजाइन के साथ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। कैमरा क्वालिटी जबरदस्त है, इस बारे में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज बिल्कुल ना होएं। Realme GT Neo 2 की कैमरा क्वालिटी जबरदस्त है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आधारित है। साथ ही दोस्तों बात करें Xiaomi के Mi 11X की, तो स्मार्टफोन में भी बैक पे ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप ही दिया गया है। इसमें दिया गया है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। फ्रंट में दी गई है 20 मेगापिक्सल की सेल्फी। कैमरा क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन की काफी अच्छी है, कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल, इतना तगड़ा कंपैरिजन देखने को मिलता है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों स्मार्टफोन में से कैमरा कौन सा अच्छा है। अगर दोस्तों मैं आपको सलाह दूं, तो आप कैमरा क्वालिटी में
Realme GT Neo 2 की तरफ जाएं, क्योंकि उसके अंदर लेटेस्ट कैमरा क्वालिटी दी गई है जो कि आपके Xiaomi के Mi 11X में आपको नहीं देखने को मिलती। तो थोड़े ही सही, लेकिन विनर हमारा Realme GT Neo 2 है कैमरा क्वालिटी में। वहीं दोस्तों बात करें अब बैटरी की, दोस्तों बैटरी में भी हमारा क्लियर विनर ही Realme GT Neo 2 है। कैसे? स्मार्टफोन में दी गई है 5000mAh की बैटरी जो कि 65 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। अगर हम बात करें Xiaomi के Mi 11X की तो उसके अंदर दी गई है 4520mAh की बैटरी जो कि सिर्फ आपके 33 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आई है। काफ़ी फर्क है, बैटरी भी कम है, फास्ट चार्जर तो बहुत ही कम है, इसलिए बैटरी कंपैरिजन में तो बिल्कुल क्लियर विनर Realme GT Neo 2 है। और आखिरी में बात करें दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो दोस्तों Xiaomi के Mi 11X में दिया गया है साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर, Realme GT Neo 2 में दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आता है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये दोनों की अलग अलग चॉइस है। कुछ बंदों को साइड माउंट पसंद है तो कुछ बंदों को इन डिस्प्ले पसंद है। आप कमेंट करके आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आता है। तो दोस्तों यही था आज का कंपैरिजन, आपको कौन सा ज़्यादा स्मार्टफोन पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मैं आपको सलाह दूं कि आपको कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करके या फिर बैंक ऑफर्स के जरिए और सस्ता लेके Realme GT Neo 2 की तरफ जाएं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, उसकी कैमरा क्वालिटी ज़बरदस्त है, साथ ही बैक डिज़ाइन जो दिया गया है वो भी नया है, वो काफ़ी अच्छा है, और डिस्प्ले तो ज़बरदस्त आपको देखने को मिलती है Realme GT Neo 2 की। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप इतना खर्च कर ही रहे हैं तो आप जाएं Realme GT Neo 2 की तरफ। Xiaomi का Mi 11X भी एक अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन नहीं तो नहीं, क्योंकि ये पुराना भी है और इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको अच्छी नहीं हो सकती, जैसे कि इसकी बैटरी वो काफ़ी कम है, फास्ट चार्जर भी कम है। आज के टाइम पे किस पे इतना टाइम है कि बैटरी को बार बार चार्ज करता फिरे, बड़ी बैटरी भी होनी चाहिए और फास्ट चार्जर तो जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।